एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज हम बात करने वाले हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो बेसिकली पेस्ट में इतना क्या स्पेशल है देखते हैं। तो आपको तो पता ही है कि कॉपी एंड पेस्ट तो सभी यूज करते हैं, हमारा फेवरेट भी होता है, कंट्रोल सी करो फिर कंट्रोल वी कर दो, राइट। तो अब पेस्ट स्पेशल का कहाँ जरूरत पड़ गया, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्सेल ने ये फंक्शन जो है पेस्ट स्पेशल वो क्यों लाया। तो आप अगर आप देखोगे यहाँ पर, आप गौर से देखिए, यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 160 और उसका बैकग्राउंड कलर येलो किया है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर येलो नहीं चाहिए, बल्कि F4 जो सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ 160 चाहिए। ओके, मुझे कलर नहीं चाहिए। तो मुझे तो पता है कि कॉपी पेस्ट हर जगह मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं सिंपली कंट्रोल सी करती हूँ फिर कंट्रोल वी करती हूँ। अरे यार, ये क्या हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कलर भी जो है वो पेस्ट हो गया, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए था जो 160 है, राइट। तो पेस्ट स्पेशल का यूज क्या है कि आप अपने स्पेसिफिकेशन के अनुसार, जैसे मेरा स्पेसिफिकेशन था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, तो आपके स्पेसिफिकेशन के अनुसार आप पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये कैसे यूज करना है वो हम लोग एक प्रैक्टिकल डेटा से समझते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स चेक कैसे इसे यूज किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं पेस्ट स्पेशल में। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो डेटा है वो सेल्स पर्सन का है, ABCD, ये सारे हमारे सेल्स पर्सन है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। ओके, तो अब मुझे टोटल कितना सेल किया है वो देखना है। तो सिंपली मैं ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करती हूँ सम के लिए। जैसे मैं ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करती हूँ वो पूरा रेंज ले लेता है और एंटर प्रेस करती हूँ। ओके, मैं अपने हिसाब से कोई कलर ले लेती हूँ, जैसे कोई डार्क कलर मैं लेती हूँ उसके लिए, ठीक है। अब ये कलर मैंने ले लिया, अब मुझे क्या करना है, नीचे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए। तो अगर मैं सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करती हूँ, तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला के साथ साथ कलर भी पेस्ट हो जाता है जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कंट्रोल जेड करती हूँ अंडू के लिए और वापस से सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये जो है पेस्ट स्पेशल फंक्शन वो अब काम आएगा। तो पेस्ट स्पेशल फंक्शन क्या है देखते हैं और कहाँ है। तो बेसिकली पेस्ट स्पेशल फंक्शन आपका होम टैब में है। होम टैब में आप जैसे कॉपी करते हो डेटा, कंट्रोल सी प्रेस करते हो, वैसे ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप के अंदर आपको दिखेगा, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको खाली वैल्यू पेस्ट करना है या आपको खाली फॉर्मूला पेस्ट करना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, नाउ मुझे ऑब्वियसली शॉर्टकट यूज करना है, मुझे यूज नहीं करना है माउस, तो सिंपली मैं कॉपी करके एक शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ। पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ जहां जहां मुझे कॉपी करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट डाउन एरो से, और मैं क्या करूंगी, शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ई एस, आपको पहले ऑल्ट दबाना है फिर ई दबाना है फिर एस दबाना है, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करना है, तो यहाँ एक ऑप्शन है एफ के नीचे डैश दिया हुआ है, मतलब वो शॉर्टकट है। तो मैं एफ करती हूँ तो वैसे ही फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाता है और एंटर प्रेस करती हूँ। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से मैं अपना स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कॉपी और पेस्ट कर पाए, राइट। तो यहाँ पर डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया एज पर माय रिक्वायरमेंट। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक समरी बनाना है सेल्स पर्सन वाइज सेल, कि सेल पर्सन ने कितना सेल किया वो ही खाली मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्वियसली पहले मैं जूम आउट करके आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। मैं बेसिकली इसको कॉपी करूंगी कंट्रोल सी करके, पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया फिर कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके ऑल्ट ई एस करूंगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से वैल्यू ले लूंगी, वैल्यू करके मैं ओके प्रेस कर दूंगी। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ जो है वैल्यू आ गया है, जो कलर है, जो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ ऊपर देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला
रिफ्लेक्ट कर रहा है फॉर्मूला बार में, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर अब मैं जूम करूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है फॉर्मूला बार में। तो ये डिफरेंस हो गया, इसके मदद से हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज की जो बहुत यूज आती है। जैसे सपोज कीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कलर चाहिए, विदाउट एनीथिंग मुझे खाली कलर करना है। जैसे सपोज ए सेल्समैन में मुझे ये कलर करना है, तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल सी करूंगी, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, फिर ऑल्ट ई एस प्रेस करूंगी और सिर्फ क्या करूंगी मैं फॉर्मेट सिलेक्ट कर लूंगी, क्या सिलेक्ट करूंगी फॉर्मेट और ओके कर दूंगी। तो देखिए कलर हो चुका है। ओके, तो ये एक वे आउट है। अब बात करते हैं कि अगर मैंने कोई इंसर्ट किया है कमेंट, जैसे यहां पर मैं इंसर्ट करती हूँ, कमेंट इंसर्ट करती हूँ, क्या गुड परफॉर्मेंस मैंने इंसर्ट किया है कमेंट। ओके, नाउ मुझे ये जो कमेंट है जो मैंने इंसर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ वो ही कमेंट नीचे जो समरी है उसमें चाहिए, मुझे कलर फॉर्मूलास कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो ही कमेंट मुझे चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली ऊपर जाऊंगी और कंट्रोल सी, आप तो जानते हैं कॉपी तो पहले करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ सिलेक्ट करूंगी, फिर ऑल्ट ई एस और कमेंट्स का ऑप्शन है, सी के नीचे डैश दिया हुआ है, तो वो सी जो है वो शॉर्टकट हो जाता है, सी को प्रेस करके एंटर करूंगी। तो देखिए खाली कमेंट ही आया, कलर नहीं आया। अगर आप गौर से देखिए कलर जो है वो नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ कमेंट आया है। ओके, तो ये एक वे आउट है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। मैं कमेंट हटा देती हूँ एक बार। ओके, नाउ अब देखिए नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, इसका जो कॉलम विथ है सबका डिफरेंट है, सबका डिफरेंट है। तो ये डेटा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। अब डेटा को मुझे प्रेजेंटेबल बनाना है, सबका कॉलम का जो चौड़ाई है उसको इक्वल करना है। सपोज कीजिए मैं चाहती हूँ कि जो नॉर्थ इंडिया का कॉलम का विथ है थोड़ा कम कर लेते हैं इसका, उसके हिसाब से सारे सारे नॉर्थ इंडिया का जो कॉलम का विद है उसी बेसिस पे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया का कॉलम का विद हो। तो सिंपली हमको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, इसको सिलेक्ट करना है शिफ्ट राइट एरो से और ऑल्ट ई एस प्रेस करके, फिर हम लोग को सिंपली क्या करना है, हम लोग को कॉलम विद में जाना है, कॉलम विद सिलेक्ट करके हम लोग को ओके करना है। तो देखिए सबका बराबर हो गया। अगर मैं मैनुअली करती ना तो मुझे बहुत टाइम लगता और मैं इतना परफेक्टली नहीं कर पाती, राइट? तो ये एक वे आउट है कि आप कॉलम विथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पे स्पेशल बहुत सारा ऑप्शन देता है जो नॉर्मली कॉपी पेस्ट में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल है, रीजन वाइज टोटल है। अब मुझे इसका बॉर्डर जो है ऑल बॉर्डर नहीं करना है, बल्कि इसका जो फॉर्मेटिंग है ये कलर से लेना है, ये बोल्ड वगैरह है उससे करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल सी ऑल्ट एस ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपका सम नहीं हो रहा है वैल्यू का, तो आप ऑल्ट इक्वल्स टू करके सम कर सकते हो, कंट्रोल वी, तो आपका फॉर्मेटिंग आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड भी आ गया है, कलर भी आ गया, लेकिन बॉर्डर नहीं आया। अब बॉर्डर हम लोग यहाँ से भी ला सकते हैं। मैं चाहती हूँ डबल स्ट्राइक होनी चाहिए, तो मैं ये कर सकती हूँ बॉटम डबल बॉर्डर, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है पे स्पेशल में। तो काफ़ी कुछ हमने सीखा कि कैसे वैल्यू को पेस्ट किया जाए, कैसे फॉर्मूलाज को पेस्ट किया जाए, कैसे फॉर्मेट्स को पेस्ट किया जाए, कॉलम विथ कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एडजस्ट किया जाए, काफ़ी कुछ हमने इससे सीखा। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।